गधों की पार्टी है कांग्रेस, ये कहना है प्रकाश अंबेडकर का। महाराष्ट्र की सोलापुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस को गधों की पार्टी बता दिया है। सभी लोग इस बात से भी इसलिए भी चौंक गए क्योंकि अंबेडकर ने ये बात सोलापुर सीट पर अपने विरोधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात के बाद कही। बता दें कि शिंदे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सोलापुर सीट सुशील शिंदे के लिए मजबूत है और इस सीट के उनके खिलाफ अंबेडकर खड़े हैं। रविवार को जब सुशील शिंदे ने अंबेडकर से मिले तो राजनीति विशेषज्ञों के अंदाजा लगने लगे कि आखिर दोनों के बीच क्या पक रहा है और सभी लोग कंफ्यूज थे और परेशान थे कि ऐसा क्या है जो दोनों ने मुलाकात की। हालांकि अंबेडकर इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस की ओर से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बता दें कि प्रकाश अंबेडकर बहुजन महासंघ पार्टी के प्रमुख हैं, हालांकि वह वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। शिंदे ने गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया और चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी। दोनों नेताओं की साथ में फोटो वायरल हुई तो लोगों ने अपने गणित लगाए। इसको लेकर कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि ऐसा कभी कभी होता है, कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं था और दोनों नेताओं ने सामान्य शिष्टाचार का आदान प्रदान किया। दूसरी ओर सुशील शिंदे और अंबेडकर की मुलाकात को लेकर वीवी अलायंस के गठबंधन के अध्यक्ष विजय मोरे ने कहा कि वह दोनों कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं हैं, वह एक प्रतिद्वंदी हैं और ऐसे में अगर वह मिलते हैं और चाय पीते हैं तो इसमें गलत क्या है, बीजेपी के खिलाफ हमारी राजनीतिक लड़ाई काफी लंबी है। यह चुनावी दंगल है और यहाँ पे वाद विवाद मुलाकातों के साथ बहुत सारे किस्से अफवाहें आती रहती हैं, लेकिन अब पता चलेगा 23 तारीख को कौन किसके पाले में आएगी गेंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।